देखिए, ये शीला दीक्षित जी के ज़माने का एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें दिल्ली जल बोर्ड की बिलों को जो इकट्ठा करते हैं, जो कैश लेते हैं, उसको एक केंद्र सरकार के बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, जो अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है जिसका नाम, उसको दिया गया और उन्होंने आगे उसको किसी और कंपनी को आउटसोर्स कर दिया और उन्होंने एक और कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। और ये पूरा मामला ये था कि वो बिलों के भुगतान जो लोग करते थे उसका पैसा वो इकट्ठा करते थे और वो दिल्ली, वो पहले जो है वो अपने कॉरपोरेशन बैंक को देते थे और कॉरपोरेशन बैंक उसको जो है दिल्ली के दिल्ली जल बोर्ड को देता था। और पता ये चला कि कुछ अमाउंट जो था, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो करीब 20 करोड़ रुपए था, वो आउटसोर्सिंग एजेंसी जो थी वो इकट्ठा तो करती थी मगर वो बैंक को नहीं देती थी और बैंक जो है फिर वो आगे जो है दिल्ली जल बोर्ड को नहीं देता था। तो इसके अंदर जो जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो कहीं पे मुझे लगता है कि वो लोग भाग गए थे बाहर और वो कुछ लोग पकड़ में आए हैं। तो इसके अंदर अगर जल बोर्ड के भी कोई अधिकारी इसकी मिलीभगत में है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइंट डायरेक्टर से पूछताछ हो रही है, एलजी ने भी आप लोगों को लेकर आरोप लगाया था कि देखिए जितने भी अफसर हैं वो तो सारे के सारे एलजी साहब लगाते हैं और जितनी भी जांच हैं वो भी सिर्फ एलजी साहब ही कर सकते हैं। मैं तो एलजी साहब से आप ये प्रश्न पूछ लीजिएगा, अगर दिल्ली सरकार को जांच का हक है और आज एलजी साहब ऑन रिकॉर्ड बोल दें दिल्ली सरकार जांच करा सकती है तो हम तो सैकड़ों जांचें कराने के लिए तैयार हैं, सैकड़ों। जो है एलजी साहब को तो आज इस चीज़ पे भी एतराज़ है कि थोड़ी बहुत जांच दो, दिल्ली विधानसभा की समितियों में हो रही है वो भी क्यों हो रही है। एलजी साहब से पूछ लें, मेरा उनसे प्रश्न है, अगर वो चाहें तो जांच करने का हक दिल्ली सरकार को दे दें। दिल्ली सरकार देश में इकलौती एक सरकार है जिसके पास जितने भी जांच कराने के हक थे, जितनी भी इंक्वायरी कराने के हक थे, वो सारे के सारे केंद्र सरकार ने और एलजी साहब ने छीन रखे। दूसरा मुद्दा है जो राहुल गांधी ने बीते दिन प्रधानमंत्री पे टारगेट किया अडानी से उनके दोस्ती को लेकर, और उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, मित्रकाल चल रहा है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने कभी इस चीज़ को छिपाने की कोशिश नहीं की कि अडानी उनके बहुत करीबी मित्र हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अडानी साहब का एक विशेष योगदान रहा है, ये सारी दुनिया जानती है। मोदी जी जब विदेशों में जाते थे तो अडानी साहब को अपने साथ ले जाते थे, ये लोग सब जानते हैं। मोदी जी जिन जिन देशों में गए उन उन देशों में अडानी साहब को बड़े बड़े ठेके मिले, ये सबको पता है। अगर अडानी साहब इतना बड़ा फ्रॉड शेयर मार्केट में कर रहे थे, शेल कंपनीज के थ्रू काला धन पहले देश से बाहर जाता था और फिर शेल कंपनीज के मार्फत उनकी कंपनियों में वो पैसा आता था, तो वो काला धन किसका था? ये शेल कंपनियों का ये जो पूरा का पूरा पैसे का लेन देन है जो कि हज़ारों करोड़ में है, ईडी की, सीबीआई की, सेबी की नज़र में ये क्यों नहीं आया और आज भी इसके ऊपर जांच क्यों नहीं हो रही? इसके ऊपर जो है मुझे लगता है केंद्र सरकार को जवाब देनी चाहिए। बीते दिन कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी के लिए गौतम दास शब्द का इस्तेमाल किया था और इस पे गृह मंत्री ने आपत्ति दर्ज की कि उनके मृत पिता को भी आपके तरफ नहीं छोड़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं राहुल नेचर को उनकी संस्कृति को दर्शाता है। देखिए एक बड़ी पुरानी कहावत है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते, और किसी के पिता के बारे में टिप्पणी करना गलत है, उसका मजाक उड़ाना गलत है, मगर जवाहरलाल नेहरू भी किसी के पिता हैं, वो हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पिता थे, हमारे देश के एक और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाना थे और राहुल गांधी के वो परनाना हैं। उनके बारे में जो संसद में मजाक उड़ाया गया, उनके सरनेम नेहरू के बारे में जो उपहास उड़ाया गया, वो हम सब ने देखा है किस तरीके से आज भी महात्मा गांधी के हत्यारे को एक महान आदमी बनाने की कोशिश की जाती है और महात्मा गांधी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी टिप्पणियां करते हैं, ये सबके सामने है। मैं समझता हूँ देश की दो बड़ी पार्टी कांग्रेस और भाजपा
इनके कंधे पर ये जिम्मेदारी है कि वो जो राजनीतिक संस्कृति है उसको अच्छा बनाएं। ये दोनों ही पार्टियां राजनीतिक संस्कृति को निम्न स्तर पर ले जाने के लिए अग्रसर हैं, और इसलिए इन दोनों को ही हक नहीं है कि ये एक दूसरे को ये कहें कि साहब ये हमारे पिता के बारे में बोल रहे हैं, ये हमारे पिता के बारे में। दोनों ही लगातार ये काम करते रहे हैं। बजट सत्र के पहले हिस्से में जो सांसदों के नाम भेजे, उनमें आम आदमी पार्टी के भी तीन सांसद हैं, संजय सिंह, सुशील गुप्ता और संदीप पाठक, और उन पर कार्रवाई की बात कही गई है, कहते हुए कि इन लोगों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया, नारेबाजी की, और इसके लिए विवश किया सभापति को कि वो सेशन को एडजर्न करें। मैं समझता हूँ वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपोजिशन में रहे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद संसद में बैलगाड़ी भी लाए, गैस का सिलेंडर भी लाए, महंगाई के खिलाफ कच्ची सब्जियां भी लाई, हंगामे भी हुए, कई दिनों तक संसद नहीं भी चली, भारत बंद भी कराए जाते थे, मगर उस समय इस तरीके से विशेषाधिकार समिति को सांसदों को नहीं भेजा जाता था। मुझे लगता है कि धनखड़ जी को इसके ऊपर दोबारा विचार करना चाहिए। जिस संस्कृति की शुरुआत वो देश की संसद में कर रहे हैं, अगर उसका अनुसरण बाकी विधानसभाएं भी करेंगी तो ये अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत जगह भारतीय जनता पार्टी भी अपोजिशन में है, बहुत जगह कांग्रेस अपोजिशन में है, तो इसका समन्वय जो है बनाने की जो जिम्मेवारी है वो धनखड़ साहब के पास है और स्पीकर महोदय के पास है, उनको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये जो महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है वो अब सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर रहा है। मैं समझता हूँ कि एकनाथ शिंदे जो हैं, पहले तो उन्होंने बाबा साहब की पार्टी को तोड़ा, उसमें बगावत की, और आज वो जो काम कर रहे हैं उसको कहा जा सकता है चोरी और सीनाजोरी। देश के लोग कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और एकनाथ शिंदे साहब को महाराष्ट्र की जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है वो तो सबको मालूम है। समय आ गया है कि सारी अपोजिशन पार्टीज इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और एकजुट होके सरकार को घेरें कि किस तरीके से इन सब एजेंसियों का दुरुपयोग जो है केंद्र सरकार कर रही है, और जहां अदानी साहब के ऊपर जांच होनी चाहिए उस जांच से सरकार भाग रही है। टीपू सुल्तान मानहानि का मुकदमा करेंगे, कानूनी? देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि जहां सब देश आगे की तरफ दौड़ रहे हैं, हमारे देश में पिछले एक दशक से जो बहस है वो इस चीज़ पे हो गई है कि कौन राजा हिंदू था, कौन राजा मुसलमान था, किस राजा के नाम पे कुछ रखा जाए, किस राजा के नाम से कुछ हटाया जाए, कौन सी जगह का नाम हिंदू संस्कृति से आता है, कौन सी जगह का नाम जो है उर्दू से आता है, कौन सी जगह का नाम फारसी से आता है, और इसी पे जो है आज चुनाव लड़े जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर देश में रोज़गार पे, गरीबी पे, महंगाई पे चुनाव लड़े जाएँ तो देश का कुछ भला होगा। जो समाजवादी की बात करना, रिलीजियस मुद्दा नहीं, और इसके रिलीजियस तरीके से सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एक समय था हिंदुस्तान के अंदर जब सभी धर्मों में एक रिफॉर्म्स मूवमेंट चला करती थी, चाहे राजा राम मोहन रॉय हों या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अली हों, उस वक्त सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के अंदर अगर कुछ कमियां हैं उसको दूर करने का काम करते थे, और उसको समाज के अंदर जो बुद्धिजीवी वर्ग था वो सराहता था। मगर आज जिस तरीके का जहरीला पूरा का पूरा माहौल है, मैं ये समझता हूँ कि आज आप किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो आप उसके अंदर जो है एक नई बहस और एक नई जहरीली बहस को जो है आप आमंत्रण करते हैं। तो आज ये समय ठीक नहीं है कि आप किसी के धर्म पे, किसी की स्क्रिप्चर के ऊपर टीका टिप्पणी करें, क्योंकि आज माहौल जो है उस तरीके का नहीं है।
इतनी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो पैदावार बढ़ाएं और साथ ही इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार घटा रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि महंगाई जिस तरीके से देश में बढ़ रही है, निर्मला सीतारमन एक वित्त मंत्री के तौर पे पूरी तरीके से फेलियर रही हैं। उनका कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी के अंदर नेगेटिव में है। उनके आने के बाद हर जगह सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स में देश को नुकसान हो रहा है और प्रधानमंत्री जी को उनको बदलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।